नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। डूंगरपुर जिले में सावला ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रिचा के शिक्षक जितेंद्र मीणा द्वारा 12वीं कक्षा की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का मामला गरमाता जा रहा है। स्कूल में तालेबंदी के बाद दूसरे दिन आज ग्रामीणों के आह्वान पर रिचा गाँव बंद रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, वहीं लोगों ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार व बर्खास्त करने की मांग की है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सावला उपखंड क्षेत्र के निठाउबा थाना क्षेत्र का मामला है। मामले के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रिचा में संस्कृत विषय का शिक्षक जितेंद्र मीणा आए दिन शराब पीकर स्कूल में आता था, वहीं छात्राओं से छेड़छाड़ करता था, बच्चों से शराब मंगवाता था, जिसकी पूर्व में ग्रामीणों ने शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं 3 दिन पहले शिक्षक जितेंद्र मीणा ने 2 दिन पहले 12 कक्षा की एक छात्रा को सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भी भेजे थे, जिसके बाद कल आक्रोशित परिजन व ग्रामीण आज स्कूल पहुंचे थे और स्कूल पर तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन किया था। वहीं परिजनों व ग्रामीणों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को एपीओ कर दिया था, वहीं जांच शुरू की थी। इधर नेठाउबा थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था, लेकिन आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी व बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज दूसरे दिन ग्रामीणों के आह्वान पर रिछा गांव बंद रहा। घटना के विरोध के साथ आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी व बर्खास्त की मांग को लेकर व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, वहीं ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए विभागीय जांच के प्रति असंतुष्टता जाहिर की। वहीं विभाग के अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपी शिक्षक की जल्द गिरफ्तारी और उसे एपीओ नहीं बल्कि बर्खास्त करने की मांग की है। ये हमें कल 12 बजे हमारे संज्ञान में आया, और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया संबंधित सीबीओ साहब से मेरी बात की और तुरंत यहाँ से हमने प्राथमिक जो भी यहाँ के जो उनको शिकायत प्राप्त हुई मैंने मंगवा ली व्हाट्सएप पे, और तुरंत हमने एपीओ करवा लिया है और तुरंत हमने इस बात जांच कमेटी बिठा दी और रात 12 बजे तक हमने इसे रिपोर्ट मांगी है और अभी ये रिपोर्ट तैयार हो रही है और जैसे ही ये रिपोर्ट तैयार होगी हम आगे JD कार्यालय को निलंबन के लिए कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। सर, पहले भी शिक्षक द्वारा जिस तरह से जांच चली थी उसमें उसको कोई कार्रवाई की नहीं? पहले का मैटर मेरे ध्यान में नहीं आया था, इसलिए उसके बारे में मैं भी बताऊँगा। अभी भी ग्रामीणों का आरोप है कुछ और भी शिक्षक हैं जो बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है, अंदर अंदर ऐसी बात आ रही है, ऐसा कुछ नहीं? अभी मैं बीच में ग्रामीणों के बीच में ही बात करके आया तो उन्होंने तो एक ही बताया कि ये जितेंद्र मीणा एक ही है। मैंने वही पूछा कि और भी कोई शिक्षक है? नहीं, उन्होंने ये बताया बिल्कुल इसके विधिवत चल रही है, विधिवत में एक ही शिक्षक है सर, तो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस के साथ।